हेलो एवरीवन एंड कार सर्वे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक 7 सीटर कार के बारे में, रेनॉल्ट ट्राइवर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और अगर आपका बजट ऐसा है कि भाई 7 से 8 लाख के बीच में कोई मस्त एक फैमिली कार आप देख रहे हो जो कि 7 सीटर हो, तो ये गाड़ी आपके लिए हो सकती है। और भी बहुत सारे वेरियंट है जो कि बहुत बहुत सारी चीजें आपको ऑफर करते हैं, बट मैं बात करूंगा एक टाइट बजट वाले बंदे के लिए जिसको कुछ बेसिक से फीचर चाहिए और एक अच्छी शानदार 7 सीटर कार चाहिए अपने बजट के अंदर, तो ये वाला वेरिएंट उसके लिए बहुत ज्यादा सही हो सकता है। ये वेरिएंट है RXL और देखेंगे कि ये आपको ऑफर क्या क्या करता है और कैसी प्लेसमेंट मिलती है सभी चीजों की और क्या ही इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी का। और अभी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट करेंगे सभी फीचर्स के बारे में कि आपको ऑफर क्या क्या करती है। उससे पहले एक स्पेशल थैंक्स अपना गो ऑटो सेल्स को जो कि रेनॉल्ट का शोरूम है, बॉर्डर से थोड़ी सी आगे जब दिल्ली साइड आप चलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे शोरूम है, इन्हीं के बीच में अपना एक रेनॉल्ट का शोरूम भी है, तो गो ऑटो सेल्स के नाम से। बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके किसी भी कार पे बेस्ट डील्स ले सकते हो, कोई भी कार टेस्ट ड्राइव वगैरह जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो, शोरूम विजिट कर सकते हो और अच्छी अच्छी डील्स जो है आप ग्रैब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियोज भाई पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। और अभी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑफर क्या क्या करती है। तो अभी गाड़ी की चाबी शुरू करें तो ऐसे आपको दो चाबियां देखने के लिए मिलती हैं। ये जो अपनी प्राइमरी की है इस पे अपना सेंटर लॉकिंग आपको मिलती है, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाती है, पीछे रेनॉल्ट का लोगो कुछ इस टाइप का मिलेगा। और जो सेकेंडरी की है इसमें आपको फर्क दिख रहा होगा, इसमें क्रोम इंसर्ट नहीं है और इस पे सेंटर लॉकिंग वाले बटन्स भी नहीं है। तो ये है अपनी प्राइमरी की जिससे आप गाड़ी को मेनली एक्सेस करोगे, तो बाहर से अपना लॉक अनलॉक से आप कर सकते हो। और यहाँ से डलेगी इग्निशन में चाबी, एक बार जब ऑन कर देते हैं तो स्टीयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है, यहाँ पे आ जाती है लाइट और अपना ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है ये अपना ऑन हो जाता है। अभी इसकी भी बातचीत आगे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाती है लाइट, अभी इस MID के अंदर आती है और इसे सेकेंड टाइम जब ऑन कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, जैसा भी आपने देखा पूरी RPM से जाती है यहाँ तक, टेम्परेचर यहाँ दिखता रहेगा, फ्यूल यहाँ पे दिखता रहेगा, स्पीड यहाँ पे दिखती रहेगी कितने किलोमीटर आगे स्पीड से गाड़ी चल रही है, टोटल कितनी चल चुकी है, रेंज वगैरह, ट्रिप ए ट्रिप भी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। एमरजेंसी लाइट जो अपने यहाँ पे ब्लिंक करती रहेंगी जैसे कि अभी ये कर रही है, और ये अभी इसलिए कर रही है क्योंकि गाड़ी खड़ी है। तो स्टार्टर में जब आप एक बार चाबी ऑन करते हो तो ये चेकअप के तौर पर एक तरीके से सारी लाइट जो है ऑन होती है, वो इसी तरीके से जली हुई है। यहीं पर स्टेयरिंग के पीछे लेफ्ट साइड अपने वाइपर के कंट्रोल, राइट साइड में हेडलैम्प और इंडिकेटर्स के कंट्रोल। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो एक सेकंड, इस पर टेप वगैरह लगी हुई है तो मैं बिल्कुल फाड़ना नहीं चाहूँगा। बाकी एक नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, इस पर कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं, बीच में अपना रेनॉल्ट का लोगो मिलता है, हॉर्न की प्लेसमेंट, SRS एयरबैग की बैजिंग और टोटली ब्लैक स्टीयरिंग आपको मिलता है। इस पर कोई लेदर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती है, एक नॉर्मल सी ग्रिप मिलती है। और उसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिंग नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे आगे पीछे नहीं होता है। अभी डैशबोर्ड एक सेकंड में दिखाता हूँ। यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है। यहाँ मिलती है येलो कलर की रीडिंग लाइट और ये कुछ इस टाइप का मिलेगा बेज हाई हेडलाइनर अपना और मैनुअल IRBM। और यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, वेंट मिरर वगैरह जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। और अभी डैशबोर्ड देखो आप तो डुअल शेड में मिलता है, ऊपर की साइड से ब्लैक, नीचे की साइड से जो पोर्शन है वो अपना बेज कलर में देखने के लिए मिलता है। और जब इस गाड़ी के अंदर रियलिटी में 7 बंदे बैठे हों तो भाई ये इतना मस्त, मतलब ग्रिप बना के चलती है ना रोड पे, वो बहुत सही चीज़ लगती है इसके बारे में। तो अभी देखो आप सामने से कुछ ये इस टाइप का मिलता है डैशबोर्ड, AC वेंट्स इधर, और इधर आपको एक क्रोम हाईलाइट जरूर देखने के लिए मिलती है बट यहाँ पर नहीं मिलती हैं, यहाँ पर नॉर्मल से वेंट्स मिलते हैं। कुछ ऐसा मिलता है अपना एक नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि कंपनी के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होता है। यहाँ पर सेंटर लॉकिंग मिल जाती है जिससे आप ऐसे डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हो, हैजार्ड लाइट की बटन मिल जाती है, मैनुअल AC कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे नीचे की साइड एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फ्रंट में स्पेस काफ़ी है और काफ़ी प्रैक्टिकल सा स्पेस है, मीन्स यहाँ पे फ़ोन लगाया चार्जिंग पे और यहाँ पे रख दिया या फिर यहीं पे रख दिया तो स्पेस काफ़ी मिल जाती है आगे। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ मिलता है अपना 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जो कि मतलब पूरा ब्लैक हेड ही देखने के लिए मिलता है, ये लेदर की क्लोथिंग इसके ऊपर मिलती है आपको। और अभी एक सेकंड इसे वापस से कवर कर देते हैं,
तरीके से। दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं यहीं पे गेट लिवर के पीछे ही, और काफ़ी बकेट सी मिलती है, काइंड ऑफ बकेट ही यहाँ पे कह सकते हो, काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक ब्लैक टिप के साथ, और ये कुछ ऐसी मिलती हैं फैब्रिक सीट्स, ये हाईलाइट्स मिलती हैं आपको बेज कलर की, बाकी पूरी ब्लैक सीट्स मिलती हैं। और दो स्पीकर आते हैं इसमें आगे, बस यही दो स्पीकर आते हैं, और नीचे एक साइड तीन पैडल्स, एक्सलेशन ब्रेक और क्लच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं नीचे की साइड, और अभी ये देखो अभी ऐसे आप लाइट जल रही है तो आपको पता नहीं चलेगा, बट इसके अंदर जो लाइट जल रही है वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट सी लाइट जल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती रहती है। और काफ़ी बड़ा सा ग्लो बॉक्स आपको मिलता है भाई यहाँ पे, और इन्हीं के अंदर यहाँ पे सनग्लास होल्डर प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है, डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे रख सकते हो, पेन वगैरह, और काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स है रियलिटी में, ऐसा कैमरे में आपको जस्टिस नहीं होगा। और अब यहाँ से इतना ही था, अभी सीट को मैं मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर पीछे की स्पेस की बात करते हैं, और उससे पहले अपने डोर पैनल्स के बारे में बातचीत करते हैं, डोर पैनल्स पे क्या क्या मिलता है। और अभी डोर पैनल के बारे में बातचीत करें तो ये भी अपना डुअल शेड मिलता है, और भाई अभी धीरे बोलूँगा क्योंकि इतनी शांति है, मेरी आवाज़ आ रही है बस, और किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे ही बताऊँगा अभी। तो ये डुअल शेड मिलता है यहाँ पे ब्लैक कलर का डोर लिवर, ORVM के कंट्रोल आपको यहीं से मिलते हैं मैनुअल, दो पावर विंडोज मिलती हैं फ्रंट की, यहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, थोड़ी सी स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, बूट होल्डर प्लेसमेंट, और ये पोलोथीन वगैरह रखी हुई है चीज़ों को कवर करने के लिए, दो बूट होल्डर्स मिल जाते हैं काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ इस तरीके का, फ्यूल लिड खोलने के लिए लिवर मिल जाता है। और ये देखो थ्री स्टेप में मिलता है डोर, मतलब ऐसा नहीं एकदम से जाएगा फिर एकदम से आएगा, थ्री स्टेप में मिलता है। अभी यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ तक आता है, और फिर दूसरी बारी पे यहाँ पे अपना लॉक हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। और ये आपको मिलती है फोर वे मैनुअल एडजस्टेड सीट, जैसे आप आगे पीछे कर सकते हो और अपना रिक्लाइन एंगल वगैरह जो है सेट कर सकते हो। और अभी पीछे की स्पेस दिखाता हूँ, तो भाई काफ़ी बड़ा दरवाज़ा मिलता है यहाँ पे। उससे पहले आप ये चीज़ देखो, मतलब जो रिक्लाइन एंगल वगैरह जो सीट्स का बना हुआ है, अभी इसी पे चेक करेंगे कि मतलब कैसी स्पेस बनती है। उससे पहले डोर पैनल देखो, और भाई लिटरली काफ़ी बड़ा डोर है, ब्लैक कलर का डोर लिवर, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए लिवर, पावर विंडो की कंट्रोल, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है, और यहाँ स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, दो वोटर होल्डर्स मिल जाते हैं। और अभी बात करते हैं स्पेस वगैरह की, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम, तो आगे यहाँ पे देखो सिर्फ दो पार विंडो की बटन्स हैं, मतलब आगे वाली दोनों विंडोज़ की, तो मतलब ड्राइवर के हाथ में सिर्फ आगे वाली विंडो का कंट्रोल है इस वाली का, बाकी यहाँ पे पीछे भी विंडो जो है पार विंडोज मिलती हैं, बट इनके कंट्रोल वहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे काइंड ऑफ मतलब ऐसा मिलती है। तो पार विंडोज़ आपको चारों ही मिलती हैं, बट ड्राइवर के हाथ में सिर्फ आगे वाली दो विंडोज़ के कंट्रोल हैं, पीछे वाली के नहीं है। तो अभी रिक्लाइन एंगल इसका काफ़ी पीछे है, तो इसे थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जी बस। और ये भाई आगे पीछे स्लाइड भी होती है सीट, ये देखो, तो रिक्लाइन एंगल भी आप सेट कर सकते हो और इसे स्लाइड भी कर सकते हो। और पीछे अभी पूरा बूट जो इसका भरा हुआ है, तो आप स्पेसिंग वगैरह देख सकते हो, ये तीन पूरे फुल साइज बैग हैं यहाँ पे और ये रखे हुए हैं, और अभी एक बैग और भी आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे सीट्स भी हैं इसके, तो ये चीज़ देख लो आप। और अभी स्पेस देखो मेरे पास, मेरी हाइट जो 5'9" और मेरे पास आप स्पेस देख सकते हो भाई, लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, मतलब जैसा गाड़ी बाहर से लगती है ना, तो उस हिसाब से स्पेस तो इसके अंदर वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। ये स्पेस वगैरह आप देख लो कितनी मिलती है, और पीछे से देखो डैशबोर्ड का व्यू, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पे हेडरेस्ट जो है सीट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड मिलते हैं आपको, आगे वाले पीछे एडजस्टेड मिलते हैं एक, और ये दो यहाँ पे, ये दोनों पीछे वाली सीट्स पे जो है एडजस्टेड मिलते हैं, और ये 60-40 का ऑप्शन तो आपको मिल ही जाता है इसमें। तो भाई मतलब देख रहे हो, इस वजह से मैं कह रहा था कि वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मेरे हिसाब से ये है, ये इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पावर विंडोज़ हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 60-40 ऑप्शन, 7 सीटर तो ये है ही, सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं यहाँ पे, एक मिनिमल सा हम मिलता है जिसकी वजह से तीन बंदों को यहाँ पे किसी भी तरह से बैठने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और अभी यहाँ से और देख लो कुछ रहेगा तो आप पूछ लेना कमेंट्स में। तो अभी चलते हैं पीछे की साइड, और पीछे कैसे जाएंगे, पीछे एक बार देखते हैं खोल के,
तो पहले चलते हैं। तो यहाँ पे अपना मैग्नेटिक बटन आपको मिलती है, जिसे प्रेस करके आप अपना बोर्ड जो एक्सेस कर सकते हो। और अभी दिखाता हूँ एक सेकंड। तो ये देखो भाई, जब सीड्स अनफोल्ड होती हैं तो यहाँ पे 84 या 90 लीटर के आसपास की बूट कैपेसिटी बनती है, बट जब मतलब ऐसे नीचे की साइड डिक्लाइन रहती है, फिर देखो आप स्पेस ही स्पेस। तो ये दो बैग तो बड़े हैं, तीसरा छोटा है, उससे मतलब नहीं है भाई। ये जब ये नीचे आ गया ना, तो ऐसे चार बैग आ जाएंगे यहाँ पे फुल साइज़। और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ पे मुझे, बस पीछे अपने आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, इनके अंदर भी थोड़ी सी ग्रिप वगैरह मिल जाती है, ऐसा यहाँ पे भी मिलता है। सीट्स बेल्ट मिल जाती हैं पीछे वाले बंदों के लिए, यहाँ पे विंडोज़ एरिया मिलते हैं दोनों साइड, ताकि ऐसा खुला खुला सा माहौल बना रहे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है सीन। और अभी इसे बंद कर लेते हैं बूट को, और अभी गाड़ी के बाहर की प्रोफाइल बातचीत करते हैं, ये बाहर से आपको क्या क्या ऑफर करती है। तो अभी देख लो, आप आइडिया लग गया होगा आपको कि कितनी बूट कैपेसिटी बन जाती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। तो अभी बात करते हैं कि ये RXL वेरिएंट अपना फ्रंट से आपको क्या क्या ऑफर करता है। पहली बात, यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस अपना हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है, प्रोजेक्टर नहीं डबल चैम्बर में मिलता है यहाँ पे प्रोजेक्टर, यहाँ पे हेलोजन बेस नॉर्मल, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट और एक क्रोम की पूरी लाइनिंग्स मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब शाइनी और काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती हैं। बीच में अपना रेनॉल्ट का लोगो मिलता है काफ़ी बड़ा सा, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है यहाँ पे एयर इनटेक के लिए। और थोड़ा अपर वेरिएंट्स की तरफ आप जाते हो तो यहाँ पे DRLs भी आपको मिलती हैं, जो कि ऐसी मिलती हैं स्ट्रेट। और ये देखो साइड से कुछ ऐसी दिखती है, क्लैडिंग मिलती है गाड़ी पे यहाँ पे व्हील्स के ऊपर, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। और अभी टायर साइज की बात करें तो C8 के टायर मिलते हैं। और टायर सेक्शन की बात करें तो 165/80 R40 14 इंच के कुछ ऐसे मिलते हैं अपना स्टील व्हील्स, कुछ इस टाइप के व्हील कैप्स मिलेंगे, जिन पर अपना बीच में रेनॉल्ट का लोगो भी मिलता है आगे डिस्क, और पीछे अपना ड्रम ब्रेक्स ऑफर होती हैं। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है प्रोफाइल, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं मैट, जो कि आप देख सकते हो। ऊपरी साइड रूफ रेल्स मिल जाती हैं, एक नॉर्मल से एंटीना की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये स्कूपी रूफ मिलती है जो कि आप वेब देख सकते हो। थोड़ा पीछे वाली सीट्स के लिए हेड रूम बन जाता है इससे, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। तो यहाँ पे मिलता है कुछ इस टाइप से, स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे डिफोगर वाइपर नहीं आते हैं। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्टीकर भी मिलता है, ये देखो यहाँ पे ड्राइवर बनी हुई है, मतलब काइंड ऑफ दर्शाना चाहते हैं कि भाई कैंपिंग वगैरह ट्रैवलिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप इस गाड़ी को। रेनॉल्ट का लोगो ड्राइवर का लिखा हुआ मिलता है कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसे मिलते हैं हेलोजन बेस अपने टेल लैंप्स, रेनॉल्ट की बैजिंग। और ये डबल शेड में मिलता है पीछे का बम्पर, मतलब ऊपर की साइड से तो बॉडी कलर्ड है, नीचे से थोड़ा मैट फिनिश यहाँ पर मिलती है। 1, 2, 3 पीछे की साइड पार्किंग सेंसर से आपको ऑफर होता है। और स्पेयर व्हील जो नीचे मिलता है आपको गाड़ी के, ऐसा जो भी आपने देख लिया होगा। और यहाँ साइड देखा गाड़ी के अंदर पेट्रोल, और ये ORVM से जो है अपना मैट कलर के मिलते हैं यहाँ पे, जो कि फोल्ड अनफोल्ड आई थिंक यहीं से होते हैं बाहर से, और ये एडजस्ट आपको अंदर की साइड से करने पड़ेंगे। तो ये है पूरी गाड़ी आपके सामने। और अभी इसका बोनट खोल के इसका इंजन भी चेकआउट कर लेते हैं कि कैसी मिलती है इंजन प्लेसमेंट और कितनी पावर ये आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो अभी एक सेकंड इसे खोल लेते हैं बोनट को। तो अभी इंजन में की बात करें तो यहाँ पे पहली बात आपको इंसुलेशन पैडिंग मिल जाती है, और यहाँ आपको मिलता है 999cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 71 bhp के आसपास निकालता है, और 96 Nm के आसपास का टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। और बीच की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 40 लीटर्स के फ्यूल टैंक से।
और ये देख लो कुछ इंजन पे एक साइड की बैटरी मिलती है यहाँ पे, और ये आपके सामने पूरा इंजन स्टफ। तो इसे बंद कर लेते हैं एक सेकंड। तो ये थी ट्राइबर RXL आपके सामने, एक मस्त सी सस्ती सी, अगर ये फैमिली कार प्लान कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली आप जा सकते हो इसकी तरफ। कैसी लगी वीडियो आपको बता देना कमेंट्स में, कोई चीज़ रहेगी या फिर मैं सॉर्ट कर गया हूँ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। अगर कमेंट्स में आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। बाय बाय।